हाय एवरीवन, गाइस आज हम बात करते हैं पाई और 22/7 की। ये बहुत मशहूर है कि पाई बराबर 22/7, पाई इज इक्वल टू 22/7। आखिर ये इसमें दो चीज नजर आता है। अगर आप इसकी तह तक जाए तो पाई एक अपरिमेय संख्या है, यानी कि इरेशनल नंबर है, और अगर 22/7 पर हम तहकीकात में चले जाएं तो वो पता चलता है कि ये एक रेशनल नंबर है, यानी परिमेय संख्या है। तो जब 22/7 एक परिमेय संख्या है और पाई एक अपरिमेय संख्या है, तो फिर हम पाई बराबर 22/7 क्यों लिखते हैं, इस पर हम वीडियो शुरू करें। गाइस, मैंने पहले की वीडियो में पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या, पूर्णांक, इसके बारे में भलीभांति से आप सबके सामने एक वीडियो प्रस्तुत कर चुका हूं। आप अगर देखे हैं तो अच्छी बात है, नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो को जाकर के देख लें। आगे परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, तो अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या क्या है, हम इसी पर विस्तार से बात करेंगे। पहले परिमेय संख्या को थोड़ा जान लेंगे कि परिमेय संख्या क्या है, फिर हम देखेंगे कि अपरिमेय संख्या क्या है, तब हम 22/7 और पाई पर बात करेंगे कि आखिर पाई क्यों अपरिमेय है और 22/7 क्यों परिमेय है। पाई इज नॉट इक्वल टू 22/7, पाई 22/7 के बराबर एग्जैक्टली नहीं होता है, फिर भी हम 22/7 लिखते हैं। खैर, इसको अगर डिटेल में आपको जानना है तो हमारा अपलोड किया हुआ वीडियो, आप पाई से संबंधित जो मैंने वीडियो अपलोड किया उसे आप देख लें। पाई यहाँ पर मुझे ये कहना है कि पाई जो है वो इरेशनल नंबर है, जबकि 22/7 रेशनल नंबर है, इसलिए हम आगे चर्चा करते हैं। यहाँ पर मैंने बता दिया कि एक्चुअली में 22/7 पाई बराबर नहीं होता है, बल्कि अप्रॉक्सीमेटली 22/7 होता है, लगभग। तो गाइज, पाई बराबर 3.1414, ये भी बहुत मशहूर है, इसका भी वैल्यू लिखा जाता है पाई के जगह पर। तो आप ये भी जान लें कि पाई इज नॉट इक्वल टू 3.14, यानी पाई के बराबर 3.14 नहीं है एग्जैक्टली, हाँ अप्रॉक्सीमेटली है। तो विस्तार से जानने के लिए पाई क्या है, व्हाट इज पाई से संबंधित मेरा वीडियो को आप जरूर देखें। पाई का जो असल वैल्यू है, एग्जैक्टली वैल्यू तो आज तक निकला नहीं, लेकिन फिर भी जो कोशिश किया गया है, जिसमें सुपर कंप्यूटर ने के द्वारा भी ट्राई किया गया, जिसमें 5 ट्रिलियन तक वैल्यू निकाला गया, परंतु निकलते रहा, वो अब भी 2 इन्फिनिटिव है, वो आज तक कंप्लीट निकल नहीं पाया है, इसलिए अप्रॉक्सीमेटली 3.14 ही माना जाता है, पाई का वैल्यू 3.14 या फिर 22/7 लिखा जाता है। तो ये जो आप नंबर देख रहे हैं, इस तरह से वो नंबर आते रहता है, वो कभी कंप्लीट नहीं हुआ है आज तक। इसके भी लिए भी आपको विशेष अगर देखना है, जानकारी लेना है, तो आप हमारा वीडियो को भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है वहाँ पर जाकर के आप देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं परिमेय संख्या की, जैसे कि बहुत शॉर्टकट में, जैसे 0.12 12 12 .. तो इस तरह से रिपीट होना 12 12 12 एक पैटर्न में, एक श्रृंखला में, तो ये परिमेय संख्या की पहचान है। 0.12345 फिर 12345 .. यानी 12345 रिपीट हो रहा है, ये भी परिमेय संख्या। अगर 0.333333 टू सो ऑन .. यानी 333 रिपीट हो रहा है, तो एक सिस्टम से रिपीट हो रहा है, तो ये भी परिमेय संख्या है। यानी कि जो रिपीट होने का एक तरीका है, वो एक श्रृंखला में, एक पैटर्न में रिपीट होता हो, तो वो परिमेय संख्या है। और अगर वो डिवाइड देने पर बिल्कुल समाप्त हो जाता हो, 0.12 0.33 फिनिश हो गया कंप्लीट, तो वो भी परिमेय संख्या है। तो अब हम आगे बात करते हैं अपरिमेय संख्या। यहाँ 0.1011 0111 0111 0
इस तरह से एक पैटर्न में बिल्कुल नहीं है, एक दूसरे तरह से है। एक बार एक के बाद जीरो, फिर एक एक आ गया, फिर जीरो है लेकिन फिर तीन बार एक आ गया, फिर जीरो है लेकिन चार बार एक आ गया। तो इस तरह की संख्याओं का जो हम देखेंगे तो वो समझेंगे कि ये अपरिमेय संख्या है। इसी तरह 0.125138429 कहीं पर रिपीट नहीं हो रहा है, एक पैटर्न में रिपीट नहीं हो रहा है, जैसे तैसे वो आ रहा है और वो कम रुक भी नहीं रहा है, तो ये अपरिमेय संख्या है। मिसाल के तौर पे हम अंडर रूट टू, अगर हम रूट टू का वैल्यू देखें तो 1.41421352 सो आप देख रहे हैं डॉट डॉट डॉट, ये कभी कंप्लीट नहीं होता है, इस तरह से आते ही रहता है और इसमें भी कोई पैटर्न से कहीं पर रिपीटिंग नहीं है, तो ये अपरिमेय संख्या है। इसी तरह से पाई इज इक्वल टू 3.14115926532 सो ऑन आप देख रहे हैं, जो इसका वैल्यू है काफ़ी बड़ा है, 5 ट्रिलियन तक निकाला जा चुका है लेकिन वो निकलते रहा, ये अभी तक इसको कोई एग्जैक्ट निकाल नहीं पाया है, तो इसलिए यह एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या की पहचान के लिए आप ये भी कह सकते हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग जो है वो अपरिमेय संख्या है। अब चलिए गाइज कुछ अपरिमेय संख्याओं पर नज़र डालते हैं, जैसे रूट टू, रूट थ्री, रूट फाइव, रूट सिक्स, रूट सेवन, रूट एट, रूट 10, 11, 12, रूट 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20 ये सब जो है अपरिमेय संख्याएं हैं। आप यहां पर ध्यान दीजिए गाइज, रूट 4, रूट 9, रूट 16, रूट 25, रूट 36, रूट 49 ये सो ऑन और भी हैं स्क्वायर में जो एग्जैक्ट हैं, उन सब पे अगर हम नज़र डालें तो परिमेय संख्या हैं, क्योंकि रूट 4 इक्वल टू 2, रूट 9 इक्वल टू 3, रूट 16 इक्वल टू 4, रूट 25 इक्वल टू 5 टू सो ऑन, इस तरह से जो एग्जैक्ट स्क्वायर वाले होते हैं ये सभी परिमेय संख्या हैं, क्योंकि रूट 4 इक्वल टू 2 है, रूट 9 इक्वल टू 3 है, तो ये 2, 3, 4, 5 ये सब परिमेय संख्या है, इसलिए ओवरऑल ये सब परिमेय संख्या है। तो दोस्तों अब आप समझ गए होंगे कि परिमेय संख्याएं कैसी होती हैं और अपरिमेय संख्याएं कैसी होती हैं और पाई क्यों अपरिमेय संख्या है और 22/7 और 3.14 क्यों परिमेय संख्या है। तो बस आज इसके लिए बस इतना ही, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, टेक केयर, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।